नमस्कार संसार क्रांति की टीम इस समय जींद में मौजूद है। हमारे साथ चर्चा में शामिल है भविष्य सैनिक एकेडमी के डायरेक्टर हैं पवन बैरवाल जी और डिप्टी डायरेक्टर आर के दलाल और मेजर सूबेदार रामावतार जी। और बड़ी हर्ष की आज बात है क्योंकि जो भविष्य सैनिक एकेडमी है पिछले काफ़ी लंबे समय से सफलता के परचम लहरा रही है और पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के अंदर भविष्य सैनिक एकेडमी ने अपनी जीत का परचम लहराया और बहुत से बच्चे ऐसे इन्होंने तराशे जो अचीवमेंट हासिल करके इंडियन आर्मी के अंदर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। आज जैसा कि अभी पिछले दिनों चरखी दादरी और पटियाला के अंदर जो भर्तियाँ हुई थी उनमें बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हरियाणा भर से हुआ और उन्हीं से भविष्य सैनिक एकेडमी के 5 बच्चों ने अचीवमेंट हासिल की है जो हमारे साथ चर्चा में शामिल है। और मैं बारी बारी से थोड़ा नाम पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है जी? किशन जी। कहाँ से हैं आप? पंजाब से। और आपका क्या नाम है? जसविंदर जी। आप कहाँ से? भिवानी से जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू भिवानी से। भिवानी से। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार भिवानी से। आपका? कुलदीप कुमार भिवानी से। तो भिवानी से भी हैं कुछ बच्चे, कहीं यानी कि हरियाणा के हर जिले से बच्चों ने अपनी बाजी मारी और कहीं ना कहीं आर्मी के अंदर जो जाने का जो जुनून है वो जैसे आपका क्या नाम? कुलदीप। कुलदीप जी, आपको कहाँ से ऐसा महसूस हुआ भाई हमें आर्मी में जाना है और किसकी प्रेरणा से आप आगे बढ़े? सर, मैं पहले तो अपने भविष्य सैनिक अकेडमी का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे सर पवन बैरवाल जी और डिप्टी सर आर के दलाल जी का भी, इन्होंने हमें प्रेरणा दी सी, आज हम इसी लायक हैं इसलिए हम इस तक पहुंचे। तो आर्मी में सेलेक्ट होकर के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए, मेजर सूबेदार राम अवतार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवा आर्मी में जा रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल इन युवाओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस अकेडमी का नाम रोशन किया और हमारे देश का नाम रोशन ये आगे करेंगे। और मेरी हमेशा यही अभिलाषा रहेगी कि मैं हर बच्चे को इस फील्ड में लाऊं और भविष्य अकेडमी में ला करके उसको तैयार करके आज सेना के लिए, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह भेजने के लिए हमारे प्रयास रहेगा। हर बच्चा हमारे देश का, उत्तर भारत का जो भी बच्चा हमको मिलेगा उसको आगे ला करके भविष्य अकेडमी में हम उसको तैयार करके सेना के लिए भेजने के हमेशा हम प्रयत्न रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ जो भविष्य सैनिक एकेडमी के डायरेक्टर हैं पवन बैरवाल जी वो भी मौजूद हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी बहुत से बच्चे उन्होंने आर्मी के अंदर भेजे हैं और बच्चे भी इनका शुक्रगुजार कर रहे हैं। तो पवन जी, आपके लिए भी बड़े गर्व की और हर्ष की बात कही जा सकती है क्योंकि आपकी जो एकेडमी है काफ़ी बच्चों को आर्मी के अंदर भेज रही है और बच्चे भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सबसे पहले तो मैं इन युवाओं के पेरेंट्सों को धन्यवाद देना चाहता हूं, इस प्रकार के बच्चे जो पैदा करके हम लोगों को समर्पित किए और हमको, हमने इन बच्चों को गाइडलाइन देकर सेना में भेजने का कार्य किया। अभी पिछली 2 भर्तियों के साथ साथ अभी हिसार की भर्ती, साथ ही साथ हिसार की भर्ती आ रही है। हमारा लक्ष्य है कि हिसार की भर्ती में कम से कम 100 युवाओं को सेना में भेज कर जब दम लेंगे। और ज़्यादा न कहते हुए मैं इन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो डिप्टी डायरेक्टर आर के दलाल भी हमारे साथ शामिल और काफ़ी मेहनत हम देखते हैं इनकी बच्चों को तैयार करने में, सुबह उठ जाना और दिनचर्या बनवाना बच्चों की काफ़ी मेहनत रहती है इनकी भी। तो दलाल साहब, जैसे कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? इन बच्चों ने और इनके पेरेंट्स ने डिप्टी डायरेक्टर साहब की गाइडलाइन से बहुत सहयोग दिया और बच्चों ने भी कठोर मेहनत करके, टीचरों की मेहनत से, संचालक साहब की हिदायत के मुताबिक काम किया, वही सफलता का राज है। तो ये थे भविष्य सैनिक एकेडमी के जो पदाधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, मेजर साहब हैं और जो सफलतम अभी आर्मी के अंदर अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं, आर्मी को अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। सभी बच्चों का ये मानना है, हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, भविष्य सैनिक एकेडमी ने हमारे को इस लायक बनाया और हमें अपनी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी जो यदि सर्वोच्च सेवा की बात आती है देश की तो वो इंडियन आर्मी है, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती है। और उस सेवा को करने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं और कहीं ना कहीं ऑलराउंडर प्रदर्शन करने की भी तैयारी इन बच्चों की रहेगी। जिनसे संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य है।